हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक को आज भी महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने काफी बड़ा साम्राज्य को संभाला और उसे काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। जैसा कि उन्हें अपने पूर्वजों से यानी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता बिंदुसार से उन्हें काफी बड़ा साम्राज्य मिला और उसको उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी तरह से संभाला। जैसा कि उस समय उन मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान और म्यांमार से लेकर संपूर्ण दक्षिण भारत तक फैली हुई थी। वहां पर सभी राज्यों को एक साथ एक सूत्र में बांधना और उनको पालन करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे सम्राट अशोक द्वारा आसानी से पूर्ण किया गया। इसके कारण सम्राट अशोक को एक महान राजा के साथ साथ महान लोक कल्याणकारी भी माना जाता है, खासकर उनके धम्म के सिद्धांत के कारण। दोस्तों, धम्म का सिद्धांत हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और काफी ज्यादा हिस्ट्री में इसका टॉपिक का बार बार नाम आता है, अशोक के धम्म का। दोस्तों, अशोक ने जिन 5 नियमों का प्रतिपादन किया विभिन्न जाति समुदाय को एक सूत्र में बांधने के लिए, उन्हें धम्म का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, इन 5 नियमों में महत्वपूर्ण सबसे जो महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत थे वह थे सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण और श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। दोस्तों, अगर इन 5 नियमों का पालन कर लिया जाए तो अशोक सम्राट अशोक का ऐसा मानना था अगर इन 5 नियमों को पालन कर लिया जाए तो और किसी प्रकार की अव्यवस्था का कारण ही नहीं बचता, और इन्हीं नियमों के कारण सम्राट अशोक को आज भी महान अशोक के नाम से जाना जाता है। और साथ ही सम्राट अशोक से जुड़ी कई ऐसी कहानियां विभिन्न कहानियां प्रचलित है जो आज भी सम्राट अशोक को एक रहस्यमय राजा के तौर पर उभारती है। जैसा कि दोस्तों, इसके कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के काल में 9 रहस्यमय व्यक्ति भी हुआ करते थे। हालांकि इतिहास ऐसा नहीं कहता है, इतिहास में इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक को लेकर ऐसी कई सारी कहानियां प्रचलित है कि जैसे कि सम्राट अशोक को इल्यूमिनाटी नाम का जो ग्रुप, इनसे जोड़ा जाता है सम्राट अशोक के इतिहास को। दोस्तों, इसके लिए कोई इतिहास में प्रमाण तो नहीं, लेकिन इसके लिए कई सारी कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के पास महत्वपूर्ण कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिनका अगर पूरी तरह से पालन कर लिया जाए, उन पुस्तकों को पूरी तरह पढ़ लिया जाए तो कोई भी विश्व विजय प्राप्त कर सकता था। यानी सम्राट अशोक के पास ऐसी कहानियां प्रचलित है कि सम्राट अशोक के पास कई सारी ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिससे वे पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते थे, और उन्हीं पुस्तकों की रक्षा के लिए उन्होंने 9 रहस्यमय व्यक्तियों को रखा था उन पुस्तकों की रक्षा के लिए जिन्हें इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। वह 9 व्यक्ति किस जाति किस समुदाय से थे आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, ऐसा माना जाता है। हालांकि इतिहास में इसके कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें आज भी सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है, इसीलिए सम्राट अशोक की कई सारी ऐसी कहानियां प्रचलित है। लेकिन सम्राट अशोक को अपने नैतिक कल्याण लोक कल्याण के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में रखकर खुद अहिंसा का मार्ग को अपनाया और हिंसा को त्याग दिया और अपने म्यान में रख दी अपनी तलवार को और ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जहां तक हो सके तो नरसंहार को टाला जाए और शांतिपूर्ण समझौते से सभी नीतियों को अपनाया जाए। लेकिन हालांकि अशोक के मृत्यु के पश्चात अशोक के धम्म का कोई भी प्रतिपादन नहीं हो पाया, इसका महत्वपूर्ण कारण माना गया जो कि मौर्य साम्राज्य जो इतना विशाल था, इसकी सीमाओं पर असंतोष व्याप्त हुआ, भारी आक्रमण बढ़ गए सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, और वहीं उनके जो आने वाले जो पीढ़ी थी वह अशोक की दूरदृष्टिता को नहीं समझ पाई, जिसके कारण अशोक का धम्म का सिद्धांत आगे जाकर फलीभूत नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये वर्तमान में भी प्रासंगिकता दिखाता है, क्योंकि दोस्तों आज अगर अशोक के सिद्धांत के 5 जो सिद्धांत थे, अहिंसा, आडंबरहीनता और सहिष्णुता, लोक कल्याण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, अगर इनका पालन कर लिया जाए तो सच में अहिंसा और अव्यवस्था का कोई कारण ही नहीं बचता। तो दोस्तों, सम्राट अशोक को इसी कारण महान माना जाता था, और आई थिंक आपको सम्राट अशोक का धम्म का सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि क्या था धम्म का सिद्धांत जो सम्राट अशोक ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।